हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू RMS क्लासेस। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री की 1.4 एक्सरसाइज। और जो बच्चे एक एक दो दो क्वेश्चंस भेज रहे हैं प्रॉब्लम में किसी एक्सरसाइज का, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में, सो प्लीज़ आप या तो PDF की हेल्प लीजिए, टेलीग्राम पे मैं PDF डालती हूँ, और या फिर आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, आप क्या पता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होगा, और मैं कोशिश करूँगी कि जनवरी में आपकी कंप्लीट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट इग्नोर कर रही हूँ, सबकी प्रॉब्लम्स मैं नोट डाउन कर रही हूँ और आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करवाऊँगी मैं आपको। चैप्टर वाइज प्रॉब्लम जो है वो जनवरी में मैं आपको करवाऊँगी, इससे पहले मैं सिलेबस कम्प्लीट करवाने की कोशिश करूँगी ताकि जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस आगे हो। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 1.4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द कॉनिक। ये कॉनिक दे रखा है और आपको इसकी डायरेक्टर सर्कल फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ आपको। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए टेंजेंट का क्या मतलब है, कोई भी आप कॉनिक ले रहे हो, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे अगर आप टच करके लाइन ड्रॉ करते हैं देन ये टेंजेंट होता है। तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा और आपको टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। कैसे निकालनी मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड अगर मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे, दिस इज पी पॉइंट, ये तो हमने पॉइंट लिया ऑन कॉनिक, ओके। अगर पी पॉइंट आउटसाइड में है कॉनिक के, तो यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन द कॉनिक। तो पी पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कॉनिक पे, ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। देन हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ कॉनिक, सॉरी टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन दिस कॉनिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉनिक की इक्वेशन है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल एस, ये थ्रू आउट ऐसे चलना है, ये नोटेशन आपको ध्यान में रखनी है। एस जो जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक की, अगर मुझे निकालना है टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, ठीक है, अगर हमें टेंजेंट एक पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर को आप चेंज करोगे एक्स इंटू एक्स वन में, एट एक्स वन पॉइंट पे निकाल रहे हैं, वाई स्क्वायर को चेंज करोगे वाई इंटू वाई वन में, एंड टू एक्स वाई, टू इंटू एक्स इंटू वाई, इसको आप चेंज करेंगे एक्स वाई वन प्लस वाई वन इंटू एक्स। ठीक है, टू एक्स वाई को चेंज करेंगे एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई में, एंड इसके बाद आता है टू एक्स, टू एक्स को आप लिखेंगे एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है, एंड टू वाई को, क्योंकि लीनियर में जो भी होगा जिसकी डिग्री वन है वो प्लस में जाएगा, वाई प्लस वाई वन। अगर हम ये चेंज कर लेते हैं देन हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे रखते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पॉइंट एक्स वन वाई वन, फाइंड आउट करते हैं क्या चेंज करना है। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नीचे टी, ठीक है, देन ए इंटू एक्स स्क्वायर को चेंज करोगे एक्स इंटू एक्स वन, ए इंटू एक्स इंटू एक्स वन प्लस टू इंटू एच, एच को नहीं, टू इंटू एक्स इंटू वाई, टू एक्स वाई को चेंज करेंगे हम, एच इंटू यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर को लिखना है वाई इंटू वाई वन, एंड टू एक्स को लिखना है एक्स प्लस एक्स वन प्लस टू वाई को लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं टर्म, प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, ओके, इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे
एक्स के कोफिशेंट सेपरेट कर सकते हैं, वाई के कोफिशेंट सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन। एस नोटेशन हो गया, टी नोटेशन हो गया। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं एट पॉइंट पी, देन दिस पी पॉइंट लाइज ऑन द कॉनिक एंड दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, एक्स वन वाई वन लाइज ऑन कॉनिक, देयर फोर वी कैन राइट ए इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन। जहाँ पे x होगा वहाँ पे x1 वन एंड जहाँ वहाँ पर वाई होगा वाई वन, क्योंकि ये पॉइंट कॉनिक पे ही लाई कर रहा है तो ये कॉनिक की क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे b इंटू वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। और ये नोटेशन आप दोगे s1 से, अंडरस्टैंड। एस का मतलब जो जन कॉनिक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, टी दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड एस वन इज अ इक्वेशन व्हेन दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ठीक है, तो तीनों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब बात आती है पेयर ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे अगर मैं पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर दो टेंजेंट आएंगे। यहाँ से इक्वेशन अगर हम निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ये क्या आ जाएगा, s into s1 equal to t square। s is a equation of conic, s1 जिस पॉइंट पे इसे आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे s1 हो जाएगा। जैसे ये p पॉइंट अगर हम इससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दिस पॉइंट पे आप पुट करोगे कॉनिक इक्वेशन में, दिस पॉइंट p, ओके, एंड t स्क्वायर, t इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, कोई भी कॉनिक आपको दे रखा होगा, अगर यहाँ पे आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हो कि वो आपस में परपेंडिकुलरली कट करते हैं, ठीक है, हमने टेंजेंट इस तरह से लेने कि वो परपेंडिकुलरली कट करेंगे, देन लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो उसको, उस लोकस को हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। ओके, अब आपको डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स डायरेक्टर सर्कल का मतलब कि तब बनता है डायरेक्टर सर्कल जब दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट वाली कंडीशन आ जाती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी डायरेक्टर सर्कल निकलेगा। और अगर ये पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे। ये आपको कंडीशन सॉल्व करके वहाँ से कंडीशन लगानी होती है कि ये सर्कल कब बनेगा। अब ये कॉनिक की इक्वेशन, इसको आप निकाल लेंगे, जो इक्वेशन आएगी ये कॉनिक की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जो भी टर्म आएंगे, यहाँ से आपको बताना है कि सर्कल कब कब बनता है। डायरेक्टर सर्कल बनने की कंडीशन क्या क्या बनेंगी, डायरेक्टर सर्कल यानी सर्कल कब बनता है, जब कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों कॉफिशियंट आप इक्वल लेके चलते हो। ठीक है, सेकेंड जो एक्स वाई की टर्म होती है, एक्स इंटू वाई की टर्म, ये सर्कल की इक्वेशन में नहीं होती, यानी कि एक्स वाई की टर्म हमारे पास वैनिश होती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको, जैसे आप, आपको डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे एस इंटू एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ये देखिए आप, क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे अब, देन इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, कॉनिक इक्वेशन को आप क्या लेके चलेंगे, कैपिटल एक्स, एस सॉरी 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दे रखा है कॉनिक इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने बताया कि डायरेक्ट सर्कल में क्या होता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट जो वो, यानी टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स किस पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट एक्स वन वाई वन, यानी एक्स वन वाई वन से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए कॉनिक पे और वहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, एस इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एस वन दैट मीन्स जब आप ये पॉइंट कॉनिक में पुट करेंगे। ठीक है, तो एस वन की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इक्वेशन आप फर्स्ट ले सकते हैं। इक्वेशन सेकेंड, एस वन इज पॉइंट पुट करिए आप एक्स वन वाई वन, देन 14 एक्स वन स्क्वायर प्लस 4x1y1
प्लस 11y1 स्क्वायर माइनस 44x1 माइनस 58y1 प्लस 71। ठीक है, एंड टी इज़ टेंजेंट, और टेंजेंट हमने कैसे निकाला है, एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे एक्स इंटू एक्स वन में, तो 14 इंटू एक्स इंटू एक्स वन माइनस 2 इंटू एक्स वाई को, 2xy को चेंज करना है xy1 प्लस x1y1 x1y में, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 इंटू xy1 प्लस x1y, 2 तो यहाँ पे रहेगा और 2xy चेंज हो जाएगा इस तरह से, प्लस 11y1 स्क्वायर माइनस 44, x को कैसे रखेंगे आप, ओ 11 इसको रखेंगे आप y इंटू y1, y स्क्वायर को चेंज करेंगे y इंटू y1 में, ओके, देन 2x को चेंज करते हैं x प्लस x1 में, तो यहाँ से 2 लेंगे बाहर, तो यहाँ से आ जाएगा 22 और x प्लस x1 एंड माइनस 58, आपको 2y को पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, 27y प्लस y1 प्लस 71 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों वैल्यूज़ को आप सेकंड में पुट कर दीजिए और यहाँ से इक्वेशन s की वैल्यू भी रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड s की वैल्यू रखिए, s1 की रखिए, 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इंटू, अब s1 की रखेंगे, 14x1 स्क्वायर 4x1y1 4 क्या किया हमने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, x1y1 प्लस 11y1 स्क्वायर 44x1 माइनस 58y1 प्लस 71, ठीक है, और इक्वल टू आ जाएगा t स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू आपने निकाली इसका स्क्वायर, x1 इंटू x माइनस 2xy1 प्लस x1y प्लस 11y इंटू y1 माइनस 22x प्लस x1 एंड माइनस 27y प्लस y1 प्लस 71 और कंप्लीट का आप यहीं पे लिख लीजिए इसको, प्लस 71 कंप्लीट का स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड, ये आ गई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, अब ये डायरेक्ट सर्कल कब बनाएंगे, जब ये दो टेंजेंट, यहाँ से दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, जब ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है, देन आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिस टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर इफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, यहाँ से जो आप कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे सेपरेट करेंगे, हमें कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर चाहिए, कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इज अ दिस, और मल्टीप्लाई में दिस फैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हो जाएगा 58 एंड हमने लिखा है यहाँ से टेंजेंट के इक्वेशन 20, ये 29 आएगा यहाँ पे 29 एंड y प्लस y1 इज 29, ठीक है, 22 से डिवाइड करेंगे हम, 2y को रखना है, देन इसको आप क्या करेंगे, x और y के टर्म्स को आप सेपरेट कर लीजिए, x के कोफिशिएंट यहाँ पे है एंड दिस एंड एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे, तो इसको आप सेपरेट करके लिखेंगे, पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, ओनली दिस टर्म, ओके 14x1 यहाँ से x की टर्म नहीं है एंड ये है माइनस 2y1, ठीक है, और इसके बाद है माइनस 22x, तो हमें कॉमन लेना ही है x, ऐसे आप y की टर्म्स को लिखेंगे, y की टर्म दिस माइनस, अब माइनस को अंदर ले लीजिए, माइनस 2x1, ठीक है, एंड y की यहाँ से आ जाएगी प्लस 11y1 और एक y की यहाँ से आएगी माइनस 29
और कॉमन आ जाएगा वाई। अब जो कॉन्स्टेंट टर्म रिमेनिंग टू इन टू, ये हमने ले लिया माइनस टू एक्स वन, ठीक है। यहाँ से आएगा माइनस ट्वेंटी टू एक्स वन माइनस ट्वेंटी नाइन वाई वन प्लस 71, और इस कंप्लीट का चल रहा है स्क्वायर, दिस कंप्लीट टर्म स्क्वायर। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट इजीली ले सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, इसको आपको जीरो पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 14 प्लस 11, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया, यहाँ से वाई स्क्वायर का, ठीक है। और मल्टीप्लाई में जो हमारा कंप्लीट एस वन चल रहा है 14 एक्स वन स्क्वायर प्लस 4 एक्स वन वाई वन प्लस 11 वाई वन स्क्वायर माइनस 44 एक्स वन 58 वाई वन प्लस 71, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप निकालेंगे कोफिशियंट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का, देन यहाँ से आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 14 एक्स वन, इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा जो वाई का कोफिशियंट है, 14 एक्स वन माइनस टू वाई वन माइनस 22, ये स्क्वायर एंड वाई का कोफिशियंट इज दिस प्लस माइनस टू एक्स वन 11 वाई वन माइनस 29 दिस स्क्वायर। कोफिशियंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको क्या करना है, प्लस इसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड इधर लेके जाते हैं तो ये माइनस की टर्म हो जाएगी, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हैं इक्वल टू जीरो। कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, आई थिंक आप कोफिशियंट समझ गए होंगे कैसे करना है। ये राइट हैंड साइड पे हमारा टी स्क्वायर, तो आप जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ओके। और फिर इसको आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके सारी स्क्वायर वगैरह ओपन करके, फिर आपके पास लास्ट टर्म ये आ जाएगी, यानी इसको सॉल्व करके ये टर्म आ जाती है। फिर हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन। हमने क्या किया, पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल लिए, यहाँ से हमारे पास इस पॉइंट से अगर मैं पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, दिस एंड ये पी पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए, और दिस ये पी पॉइंट है, इससे हमने पहले क्या निकाला, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर होंगे तभी डायरेक्ट सर्कल बनेगा, इसलिए हमने क्या करा कि परपेंडिकुलर की ये जो टेंजेंट हैं परपेंडिकुलर बनाए, कि परपेंडिकुलर कब बनेंगे, जब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, दैट मीन्स हमारे जो टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर आ गए। अब क्या होता है डायरेक्ट सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट सर्कल, डायरेक्ट सर्कल इज लोकस ऑफ एक्स वन वाई वन, और लोकस हम कैसे निकालते हैं, जो आपने लास्ट जो इक्वेशन निकाली है यहाँ पे आप एक्स वन को वापस एक्स में और वाई वन को वापस वाई में चेंज कर देंगे, देन वो लोकस आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट सेम आ रहा है और एक्स इंटू वाई की टर्म भी नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, और दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट सर्कल, क्लियर। इस तरह से आपको इसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सेकंड इज, शो दैट द लाइन 4x प्लस 5y इक्वल टू 14 टचेस द कॉनिक दिस, ये बताना कि ये लाइन इस कॉनिक को टच करती है, ठीक है। कोई भी कॉनिक आपको दे रखा होगा और आपको शो करना है कि ये लाइन इसको टच करती है। अब देखिए कैसे बताना है आपको, कॉनिक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 5y इक्वल टू 14, एंड इस यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 14 माइनस 4x डिवाइड बाय 5, ठीक है। पुट इन फर्स्ट, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस 14x इंटू 14 माइनस 4x अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 14 माइनस 4x डिवाइड बाय 5 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, 2y मीन्स 2 इंटू 14 माइनस 4x डिवाइड बाय 5, ओके, एंड माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड से हमने लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे, देन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और इसको आप सॉल्व कर लेना कैसे
जो इक्वेशन आती है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, आप इसको सॉल्व कर लेना। और यहाँ से आपको एक्स के रूट्स निकालने हैं, आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वन स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन एंड वन। अब ये जो एक्स की वैल्यूज़ होती है इस पर डिपेंड करता है कि या ये लाइन इस कॉनिक को टच करती है या कट करती है। अगर रूट्स आपके इक्वल आते हैं, जैसे आप यहाँ पे एक्स के रूट्स देख रहे हो वन वन आ रहे हैं, अगर रूट्स इक्वल आते हैं देन दिस लाइन टच द कॉनिक फर्स्ट, टच करेगी। और अगर एक्स के रूट्स अनइक्वल आ जाएंगे और अपोजिट साइड के आ जाएंगे देन ये लाइन इसको मिड में से कट करेगी, ठीक है, इक्वल को कट करती है, इक्वल रूट्स पे इसको टच करती है। ओके, तो यहाँ से हम बता देंगे कि रूट्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, रूट्स आर इक्वल देयरफॉर लाइन सेकेंड ली हमने, सेकेंड टचेस द कॉनिक फर्स्ट एट द पॉइंट, कहाँ पे आपको ये जो वो किस पॉइंट पे करेगी, एक्स इक्वल टू वन हम पुट कर देंगे और हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई हमने क्या लिया, 14 माइनस फोर एक्स बाय फाइव, यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, 14 माइनस फोर एक्स की वैल्यू वन रखेंगे माइनस फोर बाय फाइव, दिस इज अ टेन बाय फाइव एंड टू। और ये इसको किस पॉइंट पे, एक्स इज अ वन, अब डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे वन एंड टू, इस पॉइंट पे इसको टच करेगी, यानी एक ही पॉइंट पे टच करिए दैट मीन्स उसका टेंजेंट बन जाएगी, तो ठीक है, तो इसलिए टच करके जाएगी। इस तरह से आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक, ये कॉनिक दे रखा है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको निकालना है, यानी एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे जीरो और वाई वन की वैल्यू वन, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स इंटू एक्स वन में, वाई स्क्वायर इज वाई इंटू वाई वन, टू एक्स वाई, एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई, एंड इसके बाद आएगा टू एक्स, लीनियर में हम ऐड करते हैं एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई को चेंज करोगे वाई प्लस वाई वन में, तो यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू जीरो है, तो आप एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक्स वन इज़ अ जीरो, कम्प्लीट ही जीरो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे रखेंगे आप एक्स वन को जीरो, देन एक्स स्क्वायर को चेंज, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम जीरो, एंड वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, वाई टू इंटू एक्स वाई, दिस इज़ अ एक्स वाई वन, वाई वन इज़ अ वन और ये जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स को चेंज करोगे आप एक्स प्लस जीरो, ये जीरो दे रखेंगे एक्स में ही, और टू वाई को वाई प्लस वाई वन में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जीरो वन इज, ये क्या बन जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कीजिए, एक्स इंटू एक्स वन, पहले इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक्स इंटू एक्स वन, टू एक्स वाई को चेंज करोगे आप एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई में, प्लस वाई स्क्वायर को लिखोगे वाई इंटू वाई वन, माइनस टू एक्स को लिखना है आपको एक्स प्लस एक्स वन में, और यहाँ पे टू है नहीं आपके पास तो हम डिवाइड में ले जाएंगे यहाँ से, ओ सॉरी वाई की टर्म तो है ही नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस वाई इस तरह से टर्म होती तो वाई को हमें टू वाई को चेंज करना होता है ना, तो इसको हम चेंज करते वाई को एक्स वाई प्लस y1 वन डिवाइड बाई टू, अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं होता है तो, ठीक, अब यहाँ पे y की टर्म तो है ही नहीं तो हमारा यही क्वेश्चन बनेगी टेंजेंट की, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये जीरो हो जाएगा प्लस अभी मैंने निकाली यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी x प्लस y इंटू वाई वन इज y माइनस x, ये जीरो दे रखा है, माइनस वन इक्वल टू जीरो, x से x कैंसिल, y माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने क्वेश्चन करते हैं, थ्री क्वेश्चन, कल मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवा दूंगी और जो बेसिक है आपका वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, कल का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी लेंगे ताकि एक्सरसाइज कवर हो जाए। ठीक है, तो आप तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।